एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी मिश्रा और मैं आपके सामने लेके आई हूं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है आज के ज़माने में, और वो है ओबेसिटी। तो मैंने मेरे कई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेशेंट सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं ओबेसिटी यानी कि एक्सेसिव वेट या फिर मोटापा। इसके ऊपर पहली बात, मोटापा को कम करने का जो एक उद्देश्य है उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न कोई पार्टी अटेंड करना नहीं होना चाहिए, कोई ट्रिप पे जाना नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ दिनों का नहीं होना चाहिए। वो एक आपको मोटिवेट करने के लिए ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो एक फाइनल एम नहीं होना चाहिए। आपका मेन होना चाहिए टू फील मच मोर लाइटर। आप खुद में स्वस्थ फील करें, काफ़ी एनर्जेटिक फील करें, काफ़ी ऊर्जावान रहें और अपने सारे काम दिन भर की दिनचर्या आराम से कर सकें। यह आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की। आयुर्वेद में इसे मेदो रोग के अंदर में कहा गया है, जिसका कि मतलब हुआ कोई भी ऐसा रोग जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा हो और आपकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा बढ़ रही हो, और इसको स्थौल्य के नाम से कहा गया है। इसके क्या क्या रीजंस होते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए आपकी बॉडी में क्या रीज़न है। क्या आपकी बॉडी में रीज़न है आपका गलत डाइट लेना, या आपका पूरे दिन बैठे रहना, आपकी लाइफस्टाइल का गड़बड़ होना, और या फिर आपके अंदर कोई और इस तरह की बीमारी है जिसका वो रीज़न है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से ऐसा कुछ है, या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको कोई हिडन बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, तो पहले तो हमें उसे ट्रीट करना होगा। बट अगर आपके एक रीज़न पहले दोनों हैं कि आपको बैठे रहना या फिर गलत डाइट है, तो फिर उसको हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ये वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो बात करते हैं आप ट्रीटमेंट की। मुझे पता है आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस सेगमेंट के बारे में, क्योंकि जनरली सभी लोग यही जानना चाहते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए मेरे तीन मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करिए। क्या आपको सही टाइम पर भूख लग रही है? क्या आपके मोशंस नॉर्मल हैं? आपको ऐसा तो नहीं खाने के बाद बहुत भारीपन लगता हो या फिर पूरे दिन एसिडिटी रहती हो? अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो पहले जाना चाहिए आपको आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास, अगर आप आयुर्वेद फॉलो करना चाहते हैं, और अपने आप को ट्रीट करवाना चाहिए कि आपका पहले तो वो आपकी जठराग्नि यानी कि आपकी पेट को ठीक करें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें, ताकि जो भी आप खाएं उसे अच्छे से हजम कर सकें। आप यदि कॉन्स्टिपेटेड हैं या आपको दिन में बार बार मोशंस हो रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि पहले हमें इन चीज़ों को डिस्कस करके ठीक करना होगा, फिर हम आ सकते हैं अपने वेट को कम करने के लिए, अपने वजन को घटाने के लिए। दूसरा मेरा सिद्धांत प्रमुखता ये है, ईट राइट ईट लाइट। उसका मतलब है सही समय पर खाएं और सही चीज़ खाएं। तो यानी कि खाने का कुछ बिल्कुल सही समय होना चाहिए खाने का ऐसा, और आपको तभी खाना चाहिए जब आपको भूख लगे। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, इसके मतलब आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सुबह के ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मेरा मानना है अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए, प्रोटीन्स का कंटेंट हाई रखिए, कार्ब्स भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये वो ही एक समय है जब आप कार्ब्स खा सकते हैं, क्योंकि अभी आप पूरा कार्ब्स दिन भर में पचा भी सकते हैं। बट देन ऑफ कोर्स ज़्यादा शुगरी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि इवेंचुअली आप ही को वो कैलोरीज घटानी है। मैं ऑल्सो रिकमेंड करती हूँ कि सवेरे के टाइम पे थोड़ी बेरीज से अपनी शुरुआत करें, अपने खाने में थोड़े बेरीज को इंक्लूड करें, चाहे ब्लू बेरीज हो चाहे स्ट्रॉबेरीज हो, कुछ भी अगर मिल रही हैं तो थोड़ी सी बेरीज को इंक्लूड कर लें, थोड़े नट्स को इंक्लूड करें मॉर्निंग में, और अच्छा ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम निकालें, थोड़े समय अपनी एक्सरसाइज को दें। और फिर तीसरा आता है दोपहर का खाना जो आता है। दोपहर के खाने में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं। वो हैं हमारे जैसे कि कुछ छोटे चेंजेस, जैसे कि हम अगर आटे की रोटी खाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं, तो हम ज्वार के रोटी आटे की रोटी खा लें। हम अगर कोई शुगर वाली चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा उनको अवॉइड करें, दाल को ज़्यादा बढ़ाएं, दाल और सब्जियां ज़्यादा बढ़ा लें, सैलेड भी दोपहर के नाश्ते में खाने में लें, वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप बीच में स्नैक्स लेना आपको पसंद है,
सुबह से खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद और बीच में, तो कोशिश करें कि थोड़े हल्के स्नैक्स हो और फ्राइड कुछ भी ना हो, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ही ना हो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो घर पे आपको हेल्पफुल हो। पफ्ड राइस जो आते हैं जिसको मुरमुरे कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उसमें ज़्यादा आपका वेट गेन भी नहीं होता है, तो आप वो ले सकते हैं। चने ले सकते हैं, पम्पकिन सीड को रोस्ट करके खा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, डेली स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आए रात के खाने में। रात के खाने में एक बहुत ही मेरा सिद्धांत है कि मैं मना करती हूँ कि आप कुछ भी ऐसा ना खाएं जो सैलड्स हो या अनकुक्ड हो, क्योंकि वो इवेंचुअली ब्लोटिंग को लीड करता है। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें, अगर आपको रात में आप सैलड्स ले रहे हैं तो फिर आपको इवेंचुअली ब्लोटिंग होगी। कोशिश करें अपना खाना 7-7:30 तक ख़त्म कर लें, जिससे कि आपके पास इनफ टाइम रहे और आप सुबह तक उसको हजम कर सकें। अगर आप वेट लॉस के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ें तो बैठानी ही पड़ेगी। अब आप एक सिंपल सी बात समझिए, आप किसी रिट्रीट में जाते हैं, कहीं पर आयुर्वेदिक इस तरह के सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे आप रहते हैं जाकर के कुछ दिन, वो भी आपके साथ यही करते हैं कि आप सुबह का खाना टाइम पे, सुबह का उठना टाइम पे, दोपहर का टाइम पे और रात का टाइम पे, और सारा चीज़ें उनकी तरफ से सर्व्ड होती हैं, तो वो भी बेसिकली आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक में ही सेट कर रहे होते हैं। तो तीसरा मेरा सिद्धांत यही है कि अपने आप को वापस एक बायोलॉजिकल क्लॉक में लेके आना, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे पता है मैं ये बात कह रही हूँ लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, तो मुझे पता है यह मुश्किल हो जाएगा, बट आपको अपने आप को अंडर स्ट्रेस थोड़ा सा वापस अपने आप को लाना है, या फिर कभी आपने वेट पुट ऑन फिर से कर लिया है तो गुड बैक टू द बेसिक्स, फिर से वही चीज़ों को इस्तेमाल करिए, इन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में लाइए और आप काफ़ी बेहतर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं आयुर्वेद में बिना देखे पेशेंट को मैं कोई भी जनरल मेडिसिन नहीं बताऊंगी जिससे कि आप खा लें और उससे आपको आराम पड़ जाए, लेकिन हाँ कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि इस चीज़ के लिए फेमस हैं, जैसे कि पाउडर मसाज, वो आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसमें हम एक पाउडर होता है स्पेशली, वो वेट लॉस के लिए होता है और उससे मसाज करते हैं और वेट लॉस करते हैं। बट जैसे मजाक में हम लोग कहते हैं ये बात कि अगर आप केवल पाउडर मसाज कर रहे हैं और आप कोई भी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज नहीं ला रहे हैं तो बेशक आपका वज़न नहीं कम होगा बट आपके थेरेपिस्ट का ज़रूर कम हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ पावरफुल मसाज दैट इज़ गिवन टू यू। और इसलिए ध्यान रखें और अपने आप को अपनी दिनचर्या में चेंजेस ज़रूर लाएं, क्योंकि कुछ भी आपका तभी मदद कर सकता है। दूसरा, पंचकर्म के कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं वेट लॉस में, और उसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, हिडन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपका वजन बढ़ा हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसे सेंटर में जाएं जहां पर पंचकर्मा अवेलेबल हो और जाकर के वहां पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट लें, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराएं और उसके बाद एक हेल्दी डाइट पे चलें और आप देखेंगे कि वेट अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा आप सबके लिए ओबेसिटी यानी कि मोटापे पे या फिर स्थौल्य को लेकर के मेरा पर्सपेक्टिव। मुझे उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा और कुछ चीज़ें आप इनमें से अपनी हैबिट में ज़रूर लाएंगे। टिल देन मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में जो आज के समय में ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, आप सब अपना ध्यान रखिए।